नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। तिसरी बरनवाल धर्मशाला में बरनवाल समाज के लोगों ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। जो बरनवाल समाज के लोग ने सर्वप्रथम अपने पूर्वज महाराजा अहिबरन की प्रतिमा के पास दीप प्रज्वलित कर बारी बारी से महाराजा अहिबरन को अबीर गुलाल लगाया, जिसमें सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण मोदी, कारू बरनवाल, संदीप कुमार, अशोक बरनवाल, अनिल बरनवाल, मोहन बरनवाल, दीपक बरनवाल, नंदन कुमार, सांसानंद बरनवाल, त्रिभुवन कुमार, मनोज बरनवाल आदि बरनवाल समाज के लोग मौजूद थे। सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण मोदी ने कहा कि होली का पर्व एक रंगीन त्यौहार है, जो हम सब समाज एक साथ बैठकर आपस में रंग अबीर लगाकर एक दूसरे के साथ गले मिल रही हैं। धूमधाम से मनाया है और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग मनाते रहेंगे। होली है हर साल का भाती। बरनवाल धर्मशाला में होली मिलन समारोह हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हम लोग जो आपस में दूरियां जो नहीं बने और आपस में मिल के रहें, इसी के वजह से सब हटास को दूर करते हुए होली मिलन समारोह यही वरण महाराज की। बरनवाल सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया और हम लोग बरनवाल समाज जो है आपस में एकजुटता का प्रतीक दिखाए और आपस में मिलजुल कर हम लोग होली मिलन मनाए और सबको हम लोग पकौड़ी पुआ खाए और ये एकजुटता का प्रतीक दिखाए और इसी तरह से हर साल के भांति इस बार भी मनाए और हर साल हम लोग होली मनाएंगे और अमन चैन शांति की जिंदगी हमारे बरनवाल समाज को मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। होली के शुभ अवसर पर बरनवाल बंधुओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया बरनवाल धर्मशाला में। इस कार्यक्रम के माध्यम से बरनवाल समाज के बंधुओं ने यह संदेश देने का काम किया कि होली के शुभ अवसर पर हम सभी बरनवाल बंधु सभी एकजुट होकर यह दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम सभी एक हैं और इसका प्रतीक आज का समाज बता रहा है कि सारे लोग उपस्थित होकर हम लोग होली मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और आज इस होली के शुभ अवसर पर हम लोग अपने आप को शुभकामना कर रहे हैं कि जितने भी पुरानी बातें हम लोगों के बीच थी, जितने भी लोग आपस में कोई वाद विवाद कर रहे थे, मतभिन्नता थी, वो सारी मतभिन्नताओं को दूर करके आज होली मिलन में हम लोग सभी को होलिका दहन में सभी मतभिन्नता को दूर करते हुए आज हम लोग आपस में सभी मिलजुल कर एक साथ रहने का काम करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।